फ्रेंड्स, आज हम आपको नारियल की बर्फी की रेसिपी बनाने सिखाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है। आप इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत छोटा सा टास्क है और आप आधे घंटे में या 15 मिनट में आप बर्फियां तैयार कर सकते हैं। और बर्फियां बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और इनकी रेसिपी आप चेक ना, थोड़ा सा मटेरियल लगेगा, थोड़ी सी आपको चीनी लेनी है अकॉर्डिंग टू योर नीड। थोड़ा सा ये हमने नारियल को पीस लिया है, थोड़ा सा बादाम पीस लिया, उसमें नारियल को छील के पीस लिया है और थोड़े से बादाम है ये उसको सजावट के लिए, बर्फी के ऊपर लगाने के लिए। और करीब आधा किलो दूध ले लिया है। तो इसके बाद हम इसको बर्न करते हैं और आपको इसका प्रोसेस बताते हैं कि कैसे ये बर्फी तैयार होती है। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें और वीडियो का एंड तक जरूर देखें, देखना कि आप कैसे इस टेस्टी बर्फी को घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच के करीब घी डाल लिया है और इसको बर्नर पर रख देते हैं गर्म करने के लिए। और जैसे ये गर्म होता है, थोड़ा वेट करते हैं। ये गर्म हो चुका है घी। अब हम इसके अंदर ये नारियल का जो पाउडर है, नारियल बादाम का, ये डालते हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से मिला देते हैं इसमें घी के अंदर। अच्छे से मैश कर देना है घी के अंदर नारियल और नारियल के पाउडर को। तो लगभग 2 मिनट तक गर्म करने के बाद ये थोड़ा सा रेड हो जाता है और जैसे ये रेड होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपको करीब जितना पाउडर था करीब उतना ही दूध लेके इसके अंदर डाल देना है। दोनों बराबर मात्रा में रखना है ताकि उसमें जल्दी हमारा ये मटेरियल तैयार हो जाए। उसके बाद इसके अंदर चीनी की मात्रा रखनी है, अपना जितना भी आपको लगे कि मीठा हो जाए ये, उतनी चीनी उसके अंदर डाल देनी है। और फिर इसको अच्छे से मैश कर देना है, मिला देना है, आँच पे रखे रहने देना है और इसको थोड़ा सा टाइट होने देना जब तक ये थोड़ी आंच थोड़ी तेज़ कर दें थोड़ी देर के लिए। और इसको वेट करते तब तक ये अपना प्रोसेस पूरा कर रहा है, गर्म हो रहा है। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट और मिला दिए इसमें, मखाना मिला दिए तो थोड़ा सा ये और हार्ड होना शुरू हो गया है, जैसे हलवा बनता है वैसे ही थोड़ा सा हार्ड हो गया है ये। तो इसको ऐसे ही करते रहना जब तक ये पूरी तरह से हार्ड नहीं हो जाए, तब तक इसको घुमाते रहिए। नहीं तो ये नारियल है, थोड़ा सा फीते वगैरह लगते हैं इसमें, इसको ढक के ना रखें, इसको घुमाते रहें हलवे की तरह। तैयार हो चुका है, अब इसको हम प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। और ये हमने प्लेट में निकाल लिया है, इसको चाकू से या किसी चीज़ से थोड़ा सा ड्रेसिंग कर देते हैं इसकी, ताकि बाद में इसकी कटिंग करी जा सके बर्फ़ी के तौर पे। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए और फिर देखते हैं बाद में। और ठंडा होने के बाद इस टाइप से कटिंग कर लेना उसका, जिस साइज़ का भी आपको लगे कि जिस साइज़ की बर्फ़ी आपको खानी है। उसको आप सजावट कर सकते हैं, बादाम वगैरह लगा सकते हैं उसके आगे। और प्रॉपर तरीके से ठंडा होने के बाद बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी आपके लिए तैयार है और आप इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।